हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लाई, हमें इन पॉइंट्स को देखकर ये बताना है कि एक्चुअल में ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब अगर हम -2 और 4 की बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में इस चीज को समझा था कि हमारे पास ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, जिसको हम x डैश से जानते हैं, है ना। और ये y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसमें तो हमारे पास देखिए x का भी पॉजिटिव डायरेक्शन, y की भी पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ की नहीं कि x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, यहाँ x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट इस साइन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव हो जाता है और y भी नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हो जाता है पॉजिटिव और y नेगेटिव ही रह जाता है। तो ये तो आप अगर साइन का थोड़ा सा ध्यान रखें तो साइन को देखकर ही आप आराम से बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, अब जैसे ये कैसा नेगेटिव x कोऑर्डिनेट और y पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे कहां आ गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इसी तरह से अब 3-1 है, सो 3-1, सो ये देखिए ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसको चलो हम बाद में करते हैं, पहले जो डायरेक्टली हो सकते हैं बताते हैं। देखिए 1-2 कहां है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर आ गया -3-5, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहां होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये आ गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात आती है ये जो पॉइंट बच गया -1-0, इस कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम क्या बोले, ये कहां होगा लाई कर, भाई हमारे पास x तो नेगेटिव है लेकिन y 0 दे रखा है और 0 को हम ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ भी नहीं मानते, तो ये पहचान है कि ये एक्चुअल में किसी एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो देखिए हम इंट्रोडक्शन में बड़े डिटेल में पढ़ के आए हैं कि जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि हम x एक्सिस पर हैं, हम y के ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन ना ही नेगेटिव डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हम x एक्सिस पर हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, x एक्सिस पर कहां है, -1 यूनिट पर, यानी कि इधर कहीं कोई यूनिट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये कहां हुआ, हमारे x एक्सिस पर हुआ। ठीक है, इसी तरह से कोई और पॉइंट दे दिया जाता जिसमें हमारे पास मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन होती जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता, फिलहाल नहीं दे रखा है, हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं, तो ये कहां होगा, देखिए जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 नजर आए आपका माइंड में आना चाहिए कि वही वो एक्स नहीं वाई एक्सिस पर लाई करेगा। उल्टा ध्यान रखना है आपको, वाई 0 तो एक्स एक्सिस, एक्स 0 तो वाई एक्सिस, और इसका तो भैया हमें पता ही है ये कहां होता है, ये हमारे ओरिजिन पे होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्वेश्चन यहां तक नहीं है, हमें इस चीज को वेरीफाई करना है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन बनाकर फिर उस पर लोकेट करके फिर हमें इनको वेरीफाई करना है, तो एक रफली हम फटाफट बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये वाई, सॉरी वाई बोल तो रहा हूं लेकिन वाई डैश लिखा गया, और y डैश। ठीक है, हमें x के पॉजिटिव में मैक्सिमम 3 पर काम करना है और नेगेटिव में -3 तक काम करना है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट देख लें तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करने में आसानी हो जाती है। ये हमारा ओरिजिन या 0, सो 1-2-3 इक्वल डिस्टेंसेस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3,
थ्री। वाई के हमें देखिए पॉजिटिव में 4 यूनिट तक और नेगेटिव में -5 यूनिट तक चलना है। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया -5 -4 -3 -2 -1, और ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो हमने अपना एक कार्टेशियन प्लेन जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसमें हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट कैसे करना है, देखिए आसान सा तरीका है, पहले इस पॉइंट पर काम करते हैं। देखिए -2, तो हम स्टार्टिंग करेंगे हमेशा अपने ओरिजिन से, कि हम मान लीजिए ओरिजिन पर हैं, ओरिजिन से हमें एक्स के 2 यूनिट चलना है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इधर चले, हम पहुंच गए यहां। अब हम क्या करेंगे, वाई को देखेंगे कि वाई कैसा, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर ऊपर चलते हैं। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस आप वाई एक्सिस से भी दिखा दीजिए कि वो वाई एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, इसी तरह से 3 -1, तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं फिर से, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 है, सो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर आए, फिर -1 यानी कि वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है 1 यूनिट, तो इधर से ही हम नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ चलेंगे, तो यहां आ गए। तो इसको भी हम इसके साथ आगे प्लॉट करके दिखा देते हैं कि ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, पहले 3 और फिर -1। ठीक है, 1 2, ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, पहले हम 1 पॉजिटिव 1 यूनिट चले, फिर पॉजिटिव 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में। तो अब यहां से पॉजिटिव 2 यूनिट चलते हैं, तो देखिए हम यहां आ गए, तो ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट बन गया, 1 और 2, जिसको वाई से भी आप दिखा दीजिए डिस्टेंस कि वो कितना है, 1 यूनिट। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, हल्का सा, बस आपको ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए चलना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सो -3 -5, तो चलिए ओरिजिन से -3 यूनिट चलते हैं, पहले हम आ गए यहां पर। ठीक है, अब 5 यूनिट नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड नीचे है, तो अब हम इसे नीचे की तरफ चलते हैं, कहां आ गए, यहां कहीं आ गए। ठीक है, वर्टिकली, ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से नजर आ रहा है इस वजह से, और यहां कहीं हमारा ये पॉइंट आ गया, कितना, -3 -5, तो इसको हम -5 के साथ भी ज्वाइन करके दिखा देते हैं। इसी तरह से -1 0, तो देखिए x की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन -1 है, अब y की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, तो हम पहुंच गए यहां। ठीक है, तो ये आ गया -1 0, इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया। 0 2, ये नहीं है, फिर भी हम प्लॉट करके दिखा देते हैं, 0 2। ठीक है, फिलहाल 2 पे यहां कोई छोर कवर हो रहा है, ऐसा कर लेते हैं, चलिए इसको -2 बना देते हैं ताकि थोड़ा अलग नजर आए। तो 0 -2, 0 यानी कि हम ओरिजिन पर ही हैं, -2 का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए हम यहां पहुंच गए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 -2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है जो कि यहां होगा। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा -2 -4 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में इसी तरह से पूछे जाते हैं, वेरीफाई के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो 2 या 3 नंबर में आता है। ओके,